मैं जो नज़्म पढ़ रहा हूँ मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ।
जो नजर मैं आज पढ़ रहा हूँ वो मैं आज पहली बार पढ़ रहा हूँ, पूरी दुनिया में पहली बार पढ़ रहा हूँ, तो इसलिए मैं बीच में जरा सा भी सुना बर्दाश्त नहीं कर रहा। चार साल से मेरे चरण कहता रहा है कि जाकर पढ़ दे पढ़ दे पढ़ दे, और मैंने इस साल मजबूर होकर वो नजर कही है। बड़ा मुश्किल मौजूद है जाकिर रहमान से मुश्किल करी नजम है मेरी जिंदगी, और आज पहली बार पढ़ ली, इसलिए कोई गड़बड़ में बर्दाश्त नहीं करूँगा। हो गया आपका काम, चले मेरे अल्लाह हमारी आंखों को नूर अता फरमा, वो बिशारत अता फरमा, वो पसीना अता फरमा कि हम हाँ हम अल्लाह के चेहरे की जियारत कर सकें। बाप नासिर शाही ने भी मेरी दुआओं के लिए कहा है, भाई अंजल ने दुआओं के लिए कहा है, मेरे अल्लाह इनकी दुआएं कबूल फरमा, मेरे अल्लाह हमारे कानों पे वो गर्म फरमा कि हम आजान के मुँह से आजान सुन। हमारे घर ऐसे हों कि जब कायनात का आखिरी सुल्तान तशरीफ ले आए तो हमें अपने ऊपर एतमाद हो, हम वक्त के बादशाह को दावत दे कि मालिक मेरे घर तशरीफ ले, मेरे अल्लाह करम फरमा हमें, हमें इस लायक बना, हमें अकीदे की जागीर पे अकीदे के फर्श पे अमल के कालीन बिछाने की सलाहियत अता कर। समझ आई मेरी बात? साजिद मैं कह रहा हूँ अकीदे के फर्श पे अमल के कालीन बिछाने की इजाजत फरमा, ये सलाहियत अदा फरमा कि हम आखिरी बादशाह से कह सके मालिक मेरे घर तशरीफ ले आए, और जब आखिरी बादशाह तशरीफ ले आए तो उस घर में पड़ी हुई जाए नमाज, उस घर में पड़ा हुआ कुरान, उस घर में पड़ी हुई तस्बीह, उस घर में पड़ी हुई खाके शिफा हमारी शिकायत न करे। नाराज हो गए? ऐसा ना हो कि चुप कुरान बोलते कुरान से कहते कि इसने बस मुझे ला के रख ही दिया है, खोला कभी नहीं। मालिक हमें वो सलाहियत अता फरमा कि हम आखिरी सरदार की जियारत के काबिल हो जाए, उसकी नुसरत के काबिल हो जाए, आखिरी बादशाह की तशरीफ आने के लिए दरूद पढ़ते मिलके बनाना। ना सिर्फ शायर अच्छा है, इंसान भी बड़ा अच्छा है, उसकी वालिदा शदीद बीमार है, यही इस्लामाबाद में हॉस्पिटलाइज है, साकिब इमाम को भी बीमार है, मालिक शिफाए कुलिया बेटा मालिक के नाम पे आप एहसान करें, एक कदम आगे हुए मैं नज्म शुरू करता हूँ, एक कदम नज्म अल्लाह ने आगे उसे आप बेटा एक कदम का कर्म कर दे बाबा जी, तुम नज्म मौला एक कदम अगाओ तो मैं बिला ताखीर साजिद साहब को एक मेहरबानी कर सको, नहीं तो कदम पीछे चले जाओ, बड़ी मेहरबानी, इज्जत रखी नहीं मेरी, लाज रखी नहीं मेरी, मौला तो इस तरह दे पुत्र जी भी बाबा इम्तियाज शाह दे, चलो मौका बाबा जी मालिक फरमाते कुल अमरन मरहून बे औकात हा, हमने हर काम का एक वक्त मुकर्रर कर दिया, जो दिल करते करता रहो। चार साल घट घट हो गए मैं चांद छाप चांद छाप के आवा आखिर के मौला पास की शादी सुना साहब मैं आधा जाने को अच्छा सुने ना सुने ना सुने ना ये सामने जाकर तो नहीं लगू, ये तो मैं गरीब में पता है मौला पास की शादी किमें लबड़ी पड़ी है, सिर्फ चार किसने एक आदमी की फरमाइश से शादी शुरू, हुसैन घर से चले थे खुदा बचाने, अल्लाह करे ये हाथ चढ़े, यही कीमत मेरी इसी का नाम कर रही है बाबा इम्तियाज़ साहब पुत्रों में शाह रहूंगे
ਤੇ ਗੌਰ ਵੀ ਕਰਿਆ ਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਕੁਰਾਨ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਅਲਮਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਖਲੋਤਾ ਹਾਂ, ਨੱਤੀ ਗਜ਼ਬ ਮੈਂ ਨਜ਼ਰ ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗਾ। ਕੁਰਾਨ ਖਾਸ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਮਿਆਰ ਦੀ ਨਾ ਦੱਸ ਦੋਈ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪੜ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਾ। ਹੁਸੈਨ ਹਰ ਸੇ ਚਲੇ ਥੇ ਖੁਦਾ ਬਚਾਨੇ ਕੋ, ਬਸ ਅਬ ਹੁਸੈਨ ਬਚਾਨਾ ਖੁਦਾ ਕੀ ਬਾਰੀ। घर से चले थे खुदा बचाने को, हुसैन घर से चले थे खुदा बचाने को, बस अब हुसैन बचाना खुदा की पारी है। गली गली में अगर हो रहा है जिक्र हुसैन, कर्म नहीं है ये वहादत की जिम्मेदारी। शुरू हो रही है जी, हाजिर जनाब है बंदगी के देश में सबसे बड़ा हुसैन है, बंदगी के देश में। और कौन ही ठंड क्यों कट्ठा होया बैठा, हाथ खोल फिर कितनी बैठा है बंदगी के देश में, अल्लाह की कसम नहीं बैठा है बंदगी के देश में सबसे बड़ा। बार धूप में मन छोड़ो है बंदगी के देश में सबसे बड़ा हुसैन करता रहा है उसके लिए क्या से क्या हुसैन। लबैक लोग कहते हैं परवरदिगार को, परवरदिगार कहता है लबैक या हुसैन, लबैक या हुसैन, लबैक या हुसैन, लबैक या हुसैन। Oh,
उस नहाए विलायत से सुनता है जो उस वली की समात में रस को उस वली की समात में रस खोल दूं जो तबारक भी है और मुबारक भी है, उसको हदिया तबरीक अनमोल दूं। कुछ कलम साथ दे, कुछ कलम साथ दे, सुए सिदरा में लफ्जों के पर तोल दूं। कुछ कलम साथ दे, कुछ कलम साथ दे, कुछ कलम साथ दे, सुए सिदरा में लफ्जों के पर तोल दूं। किबरिया अंबिया औलिया औसिया, किबरिया अंबिया औलिया औसिया, सब ही करते रहे बात अब्बास की, सब हलाली मवाली बराती बनो, मैं सुनाता हूँ बारात। चले गए हो, बैठे हो, शहादत के बाद 7 महीने उस इज्जतदार खानवादे ने कूफे में रहना पसंद किया। अभी एक लंबी बहस है, 40 हिजरी माह सियाम में अली अली से मिलने चले गए। दस की बना आज मगर अपना खड़का साथी फरमाइश सलामी ने मखलूक अली खाले कर मिलने चाहिए अब्द अली महबूद अली से सलाम आदमी हाथ उच्चा लगा मुर्शेद सलामी मेरा प्रदेश है खैर होने अब्द अली महबूद अली से मिलने चले गए। अब गुंजाइश शिक्री नहीं है कि मैं इसको नसर से सजाऊं, ये तुम्हारा उधार रहा, तू बोलता हूं मैं बोलता हूं। 7 महीने ज्यादा से ज्यादा इस इज्जतदार खानवादे ने कूफा में खयाम फरमाया। 41 हिजरी को मदीने वापसी हो गई, मदीना मदीने में आ गया। यार की करिए असि उर्दू वाले तो सब की करिए, पढ़िए ना तुम नहीं बोलते, ना पढ़िए तुम नाराज होते हो। हाथ खोल मेरा पुत्र, मेरी जिंदगी हो गए मदीना मदीने में आ गया, सलामत रहे सदा। मुश्किल से
गम के वो दिन गुजारे 47 हिजरी में बादशाह हसनैन करीमैन नूरैन नैयरैन इमामैन उस शहजादी की बारगाह में आखिर खिदमत हुए जिसे अली आलिया कहता है। पता नहीं मैं की बड़े आलिया हाँ 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 की करा मैं हूँ मैं बंदे तो नहीं अफोर्ड करता बोल कुरान दा वास्ते अल्लाह सदके सदके मुझे सलाम है तुझी जी मैं बादशाह तुहाडियां दोनों दी रंग नहीं सारा उस शहजादी की बारगाह में तशरीफ ले आए जिसे अली बिस्मिल्लाह आगे बड़ी जगह आगे आगे बड़ी जगह मेरा भाई हाँ मेहरबानी करो जिसे अली मुझे 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 दे आनंद 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 हाँ आए आए बाप आए 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 बाप बड़ी मेहरबानी जिसे अली आलिया कहते हैं उख्त कहते हैं अरबी में बहन को अखवात उसकी जमा है कुछ इसे अखवात कहते हैं पाक हसनैन ने पाक अखवात से यूं कहा और मसरत मनाती करें थैंक यू बहुत शुक्रिया मेरा बच्चा अल्लाह तुझे इज्जत दे बड़ा अच्छा लगा मुझे इतने मुश्किल काफी है मैं तुम लोगों का बेसाफ्ता बोलना हाँ 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 तो अच्छा चाहिए आप सलामत रहे खुद शेर कर लेता है बड़ा कमाल खतीब है पाक हसनैन ने पाक अखवात से यूं कहा और मसरत मुसरत हुई मसरत मबद्दत मोहब्बत मशक्कत पाक हसनैन ने पाक अखबार से यूं कहा और मसरत मना दी करें कुछ जब रंग हो सब अली दंग हो आए आए तेरी मर्जी आ तेरी मर्जी आ तेरी मर्जी आ जी सदके सदके अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर बाबा जी राजी रह गए कुछ अजब रंग हो सब अली दंग हो ये खुशी इस कदर इनफरादी करे ए मैं झोली चेक हो मेरी नस्ल ही उसी मकबूल हो गई है जिड़ा इनफरादी से बोले इस घर में खुशियां पहले भी बड़ी हुई है हसन हुसैन बहन से कह रहे हैं इस घर में खुशियां पहले भी बड़ी है हमारा दिल चाह रहा है कुछ अजब रंग हो सब अली दंग हो ये खुशी इस कदर इनफरादी करे फर्श पे अर्श हो अर्श का फर्श हो तो मुझे शादी में ले आया यार तो मेरे पुत्रों की खैर होवे ओ बुजुर्ग जीवन ओ नमाजी बुजुर्ग जीवन अल्लाह अकबर जेडे बाहर बैठे हो बेटा घरों पहले से आए हो ना उतो हाथ जो रुक भी सीखो पहले से भी सुनो हाय ये खुशी इस कदर इनफरादी करे मैं कब मैं किसी का कर बादशाह एक कदम अगे हो वाह वाह एक कदम नजर वालों मैं तोड़े चुबा को सर छाती नजर आ जाता आओ बिस्मिल्लाह इतने आओ बिस्मिल्लाह इजाजत अच्छा जब रखो सब अली दंग हो ये खुशी इस कदर इनफरादी करे फर्श पे अर्श हो अर्श का फर्श हो घर को मेराज मामूर वादी करे फर्श पे अर्श हो अर्श का फर्श हो घर को मेरा जो मामूर वादी करे बहन के सामने बैठ के हसन आहिस्ता से कहते हैं जिसके होने से अम्मा का दिल शाद है जिसके होने से अम्मा का दिल शाद है उस अली मिस्र गाजी की शादी करे Thank you.
छा दिए जिसके होने से अम्मा का दिल शाद हो, जिस शाद शादी मेहरबानी बहुत बहुत शुक्रिया इस तवज्जो का, जिसके होने से अम्मा का दिल शाद हो मेहरबानी बुजुर्गो, उस अली मिसल गाजी की पीरों राजी हो, उस अली मिसल गाजी की शादी करे मेरी शहजादी का, जैसे आपका दिल है। हसन ने कहा मेरा दिल है, खास आंगन के खवास ने तय किया, ए तमाम विलायत खसूसी लगे, सर पे सेरा सजाए जो अब्बास के, अंबिया को अली की अरूसी लगे। शौकत को सुना नहीं करते, शौकत के साथ भागा करते, चला करते हैं उसके साथ। खास खवास आजो 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 जल्दी ना आजो, कोई मसला नहीं। खास आंगन के खवास ने तय किया, एक तमाम विलायत खसूसी लगे, सर पे सेरा सजाए जो अब्बास के, अंबिया को अली अरूसी लगे। बेदिल के दिल की मालकिन ने कहा, दिल तो मेरा भी है। बेटा बैठ, थोड़ी है जिस तरह तू चलता है मेरा बच्चा, जगह जहां मिले बस बैठ जाओ, मिली से उसे सुनू। बेदिल के दिल की मालकिन ने भाइयों से कहा, दिल तो मेरा भी है, चलो अल्लाह की जीनत के जैन ने हसनैन से कहा, शाबाश शाबाश, अल्लाह की जीनत के जैन हसनैन, मेहरबानी बाबा, अल्लाह की जीनत के जैन ने हसनैन से कहा, दिल तो मेरा भी है। कोई रिश्ता है आपकी नजर में? जल्दी जल्दी मेरा बेटा डिसीजन कर, कहां बैठना है बैठ जा, प्लीज सिट डाउन। जियो जियो जियो, सदके तेरे में सदके जाओ, इजाजत है चलो। बे दिल के दिल की मालकिन ने कहा, कोई रिश्ता है ना आपकी नजर में मेरे गाजी का, कोई रिश्ता है? हसनैन ने आयशा से कहा, वैसे तो हमारी मुमकिनात पे नजर है, इस मामले में आपकी नजर से बेहतर कोई नजर नहीं। हसनैन क्या है, आप जो हुक्म करें, हाँ अल्लाह की जीनत की जीनत है ना, आप जो हुक्म करें जो आप चाहे, हम जुज़्वे रसूल हैं, आप सानी बदल। ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ, ਤਰਲਾਈ ਵਸਤਾਂ ਹੋਵੇ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਚ ਆਇਆ ਨਜ਼ਾਰ ਚ
चो कोई बाबा खाली ना जाए, बाबे नु सच्चा उसने दर्जात बुलंद होना। सुभान अल्लाह, गाजी इस तरह दे मेरा पुत्र बैठ, मेहरबानी कर, तेरा बहुत शुक्रिया। अगुआ वाले बंदे ने पिछले रोक लिया जाए, उन्होंने आखे यार इतनी मैंने उस गरीब को जल्दी है कि मजा खराब ना कर, थोड़ी बड़ी मेहरबानी। कोई आपके दिल में, कोई आपके जेब में, कोई आपके ख्याल में रिश्ता हो तो आलिया में तकरार नहीं हूं कहा, मेरे दिल में मसीह रोशनी हो गए। आलिया में तकरार नहीं हूं कहा, दो बंदा उधार हो गया, जहां छोड़ूंगा फिर जब कर लाई आऊंगा यहां से शुरू करूंगा। बशर्त जिंदगी 14 पद है, तीसरा मैं पढ़ रहा हूं, दो मैं और पढ़ना चाहता हूं। आलिया की में आलिया में करार नहीं हूं कहा, शादी करनी है ते तुहाडा को दिल किसे रिश्ते ते होवे, मेरी सैन जवाब दे रही है। आलिया में करार नहीं हूं कहा, मेरे दिल में मसीह रोशनी खूब है। असल भी एक है, नस्ल भी एक है, नूर की नूर से दोस्ती हो। मुत्तलिब के हसीन लाल अब्बास के पाक फरजंद की आगही खूब है। बैठ जा मेरा लाल, तेरी बड़ी मेहरबानी है पुत्र पढ़न दियो। मुत्तलिब के मेहरबानी कीजिएगा, वहीं तशरीफ रखिएगा। मुत्तलिब के हसीन लाल मैंने देख रहे हैं बादशाह, मुत्तलिब के इन ढेर ला के ना कुरान की कसम है, जिम्मे फ्रूट मंडी नहीं पता बैठा होता, इन किताबों के ढेर ला के थोड़ा नौकर बैठा रहा जाके जाके बिसरे होंगे। मुत्तलिब के हसीन लाल अब्बास के पाक फरजंद की आगही खूब है। आलिया का एक अब्दुल्ला नामी चचा भी है ना, जिनका पैमाना है बंदगी खूब। कुछ भी इफ़त मुआवा से बेहतर नहीं मेरे अब्बास की ज़ौजियत के लिए, कोई रिश्ता लुबाबा से बेहतर। नाराज
ਤੇ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਬੈਗ ਤੇ ਮੈਚ ਵੇਖੀ ਦਾ ਮੈਂ ਸੱਚੇ 45 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹ ਵਾਹ ਰਿਜ਼ਕ ਮੇਰਾ ਮੌਲਾ ਹੁਸੈਨ ਦੇਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਖਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸ਼ੌਕਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰਬਾਈ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਮੇਂ ਅਹਿਸਾਸ ਲਿਖਾ ਜਾਤਾ ਹੈ ਸ਼ੌਕਤ ਸਾਹਿਬ ਵਫਾ ਦਾ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਗਿਆ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੀ ਸ਼ਕਲ ਮੇਂ ਅਹਿਸਾਸ ਲਿਖਾ ਜਾਤਾ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਰਾਬੀ ਕੋ ਪਿਆਸ ਲਿਖਾ ਜਾਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਸੇ ਮੌਕਫ ਹੈ ਕਲਮ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਵਫਾ ਲਿਖੂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਉਸੇ ਮਿਸਰੀ ਅਲੀ ਕੋ ਮੁਸਤਫਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਹਤੇ ਹੈ ਉਸੀ ਕੋ ਗੈਰਤ ਦੇ ਕਰਨਾਰ ਕਾ ਆਕਾਸ਼ ਕਹਤੇ ਹੈ ਜੋ ਕਾਬਿਲ ਹੋ ਕੇ ਦਰਿਆ ਪਰ ਪਿਆਸਾ ਹੀ ਪਲਟ ਜਾਏ ਵਫਾਦਾਰੋ ਕੀ ਦੁਨੀਆ ਮੇਂ ਉਸੇ ਕੌਸ਼ਲ ਕੀ ਅਤਾ ਆ ਆ ਆ ਆ ਆ
मर्जी है तेरी। ईदा का हुनर और है, कौशल की अदा और, मरियम की सना और है, जहरा की सना। सदके सदके ईदा का हुनर और है, कौशल जनाब अली, कौशल की अदा और, मरियम की सना और है, जहरा की सना और। डॉक्टर बंदा जैसी साल नहीं बोलता, खैबर का वो करार ये ताहशर आलमदार, खैबर का वो करार ये ताहशर आलमदार, सरवर की दुआ और है जहरा की दुआ। आपको कह रहा हूँ आलम घर के बच्चे हो, आपसे कीमत चाहिए, यूं हाथ उठा के मुझे दुआ करनी है। माँ से भी कहीं पड़ गई मुझे देख, बेटे की सखावत, चादर से शिफा और है मिट्टी से शिफा। सदके सदके जी भाईजान जी 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 शाबाश शाबाश जी, मुझे तो नौकर दूंगा। माँ से भी कहीं बढ़ गई बेटे की सखावत, चादर से शिफा और, चादर से शिफा और है मिट्टी से शिफा और। आखिरी दो शेर आली मदद, शायद मेरे बात का बंदा पढ़ लेगा। अच्छा, चादर से शिफा और है मिट्टी से शिफा और, हसनैन भी चूमा करे अब्बास का कुर्ता। उस दिन के कपड़े जंगल से आते हैं ना, चूमा करे चूमा करे अब्बास का कुर्ता, क्यों जन्नत का सिला और है अम्मा का सिला। जन्नत का सिला और है अम्मा का सिला और। मैं कह रहा हूँ इमाम हुसैन का सबसे छोटा राकिर हूँ, जिंदगी उड़ गई है तुम्हारी नौकरी करते करते, 41 बरस हो गया मुझे पलकों से इस दरवाजा पे झाड़ू लेते। मैं 41 बरस नौकरी करके तलाई वो जगह जहाँ मैंने जिंदगी सारी पढ़ा, जहाँ मैंने रजब पढ़ी, जहाँ मैंने 29 मुहर्रम पढ़ी, जहाँ मैंने अशरे पढ़े, मैं वहाँ खड़े होकर कह रहा हूँ शायद वो बंदा हो जो सांस ले और न बोले चांद काली मुक लड़ी है। ये बंदिया तक पड़ गई ना, हर मातमी शब्बीर से जन्नत में मिलेगा, क्यों सजदों का सिला और है। शब्बीर से जन्नत में मिलेगा सजदों का सिला और है। इकतालीस साल पूरे हो गए मेरे पलकों से इस दरवाजे पे झाड़ू देते। मैं 41 साल पढ़ के मुताला करके 34 किताबें इकट्ठी की मैंने सिर्फ काजी में। मैं 41 साल पढ़ के फैसला नहीं कर सका कूफे और शाम के वैशी शराबियों को, अली की बेटी के बुरके को जीर में जाने मारा है। दादा अमीर है बंदा जड़ा मती ने जब मुहाय नहीं कर सकता। बाबा जी एक लफ्ज आखा, 40 हिजरी शहादत अली बादशाह की जवानी है गाजी, 14 साल का अब्बास। ए
मौला दिया ने मुल्क सलामत रख मौला परेशानियां तो दूर सदके जावा बड़े इस जुमले पे 40 हिजरी आज तो बताऊं क्या मियार है अब्बास का 14 साल का राजा जवानी का आगाज अब्बास का और सिफीन लड़ी हुई है अब्बास पूरा तूफा डरता है अब्बास पर अब्बास का बाबा शहीद हो गया पहला सर है कायनात में जो दो हो गया मैं पढ़ लू मैं जब तक जीऊंगा मैं जमानत दूंगा इब्ने मुल्जिम की तलवार यहाँ लगी है नमाजी को और यहाँ से बाहर निकल गई ये सारे सर को चीरते हुए ये जैसे किताब खुलती है ना जैसे कुरान खुलता है वैसे खुल गया सर अली का इतने बड़े तकलीफ वाले मरहले पे अब्बास को किसी ने रोते हुए ऊंचा नहीं दिया बेटा बैठ जाओ मैं जो मसाइल पढ़ रहा हूँ आप पीछे बैठ जाते बेटा गाजी को किसी ने ऊंचा रोते नहीं दिया अब्बास के अंदर एहसास था अगर मैं रोया तो अली की बेटियां मर जाएं ईद में अली की बेटियां मर जाएं हसन का जनाजा निकला कायनात में पहला बादशाह है जिसकी रियाया ने उसके जनाजा तीरों से सरदारों के जनाजे घर से निकलते हैं कोई फूल ले आता है कोई खुशबू ले आता है कोई चिराग ले आता है कोई पानी ले आता है पहला अमीर है हसन जिसका जनाजा घर से निकला कोई नेजा ले आया कोई ताजियाना ले आया कोई तलवार हौसला 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 ओ बुजुर्ग आदमी है हौसला ओ बाबा हौसला कोई तीर ले आया कोई तलवार ले आया 700 तीर कमान से निकला 70 हसन के जनाजे में लगे एक 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 फारसी खतीब ने लिखा है 71 लगे और वो कहते हैं 71वां तीर हसन को मैयत में वहां लगा है जहां असगर का है अल्लाह अकबर तीर हसन के जनाजे पे नहीं अब्बास के कलेजे पे अब्बास के कलेजे पे ये पहला दिन है जिसमें हाशमी जवानों को इकट्ठा करके अब्बास ने दरवाजे पे बिठा के कहा है ऊंचा रोना शुरू करो और पता ही लगा मैं के पड़े तुम याद ही हो गए हो जरा मजमून तुम जाकरा में याद है तुम योद आदि हो गए हो तुसी किताब की नवी गल सुन के बर्दाश्त नहीं कर सकते पे के हो गया अब मैं किताब का हवाला देंगे ये पहला दिन है जब अब्बास ने हाशमी बच्चों को छोटा सा था कासिम 3-3.5 साल का अकबर सज्जाद कासिम औलाद मुस्लिम सारे जाफर तैयार के बच्चों को इकट्ठा करके हसन के दरवाजे पे बिठा दिया अब्बास ने कहा ऊंचा ऊंचा रोना शुरू कर दो जाहिर है घर में मैयत आई थी बच्चे पहले ही रो रहे थे हुसैन बादशाह ने इस रंग में बच्चों को रोते देखा कहा इतना न रो बेटा सब्र करो अकबर ने कहा चचा अब्बास ने कहा ऊंचा रोना है हुसैन दरवाजे के बाहर आ गया अब्बास तुमने बच्चों को हुक्म दिया है जी मैंने कहा ऊंचा रोना है फरमाया क्यों कादी ने कहा मेरी गैरत गवारा नहीं करती ज़ैनब की आवाज बाहर आ गई चलो ये बच्चे ऊंचा ऊंचा रोएंगे ना इनकी आवाजों पे अली की बेटी की आवाज वाह वाह इनकी पर नस्ला भी खैर हो गया अल्लाह अकबर और सदके हो तेरे मातम को सदके अद्धा मिनट और मैं पढ़ लेता ऊंचा रोते नहीं देखा ये मिंबर के खिलाफ में मेरा हाथ है सुन्नी शिया मौरख कहता है पहली बार चश्मे फलक ने अब्बास को 28 रजब को मदीने की गलियों में ऊंचा रोते देखा है गाजी का मामा उतरा हुआ था बाल खुले हुए थे दाढ़ी आंसुओं से भरी हुई थी ज़ैनब घर से बाहर आ रही थी अब्बास कह रहा था ओ मेरे कत्ल में बक जाती ओ साले